इराक के मैसूल में आईएसआईएस के चुंगल में फंसकर मारे गए चार हिमाचलियों के युवाओं में से पासो निवासी अमन का कल अंतिम संस्कार कर दिया गया। अमन को 4 साल पहले खूंखार आतंकी संगठन ने मौत के घाट उतार दिया था। तब से लेकर भारत सरकार सभी भारतीयों के शवों को वतन वापस लाने का प्रयास कर रही थी। आखिर 4 साल बाद इन युवाओं के पूरे शव तो नहीं आए, लेकिन इनके परिवार वालों को अंतिम संस्कार के लिए अवशेष ही मिल पाए हैं। अमन के भाई रमन ने मुखाग्नि दी। अपने लाडले के अवशेष देखकर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसके साथ ही पूरे इलाके में शोक की लहर छाई रही। अमन के भाई ने कहा कि केंद्र सरकार ने उनकी जो मदद की है उसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद है। उन्होंने केंद्र सरकार से निवेदन किया है जो एजेंट भारतीयों को विदेशों में भेजते हैं उनकी भी सही से जांच होनी चाहिए ताकि कोई किसी के चंगुल में ना फंसे। उन्होंने जयराम सरकार से मांग की है कि वो प्रदेश में रोजगार के साधन सृजित करें और युवाओं के लिए प्रदेश में ही अधिक से अधिक नौकरियां प्रदान करें जिससे कि युवा अपने प्रदेश से बाहर जाने को मजबूर न हों। मैसेज देना चाहिए। अपना मैसेज तो यही है सर कि सरकार को यहाँ पे इतना रोजगार पैदा करना चाहिए कि कोई युवा यहाँ से बाहर जाने की मतलब वो न करे, जरूरत ही न पड़े किसी को। यहीं पे रोजगार मिलेगा तो कोई बाहर नहीं जाएगा। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो जिनके बाहर जाने का बहुत क्रेज रहता है तो और इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने में आती है। इसके लिए सरकार को कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए जिसके मतलब जिनके डॉक्यूमेंट वगैरह ये वो जो मतलब फर्जी एजेंट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको मतलब जो बिना लाइसेंस के वो हैं एजेंट हैं उनको मतलब बंद कर देना चाहिए। जैसे अभी आपके भाई गए थे तो जो एजेंट जिस एजेंट ने उन्हें इराक भेजा था तो उसके खिलाफ क्या आप कोई कार्रवाई करेंगे, उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाएंगे? नहीं, हम तो नहीं करेंगे कोई मामला, पर आगे से मतलब युवाओं से मेरा यही निवेदन है कि जैसे मैंने आज अपना भाई खोया है ना, कोई अपना बेटा कोई अपना भाई न खोए, कोई बाहर जाने की इच्छा न रखे। सरकार ने क्या आपकी क्या किस तरीके से मदद की? हमें डीसी साहब से 4 लाख रुपए का चेक मिला था और सुषमा जी ने भी मतलब सेंटर से आश्वासन दिया हुआ। आपको जैसे सरकारी नौकरी सरकार ने बोला है जी जी मिलेगी, क्या आपको विश्वास करते हैं? सर विश्वास आज तक तो हमने विश्वास रखा ही है, उस विश्वास के दम पर ही सरकार इतना कुछ मतलब सरकार ने हमारे लिए किया है। धन्यवाद करते हैं हम सरकार का जो मतलब इनको यहाँ तक लेके आए और आगे भी हम विश्वास रखेंगे सरकार पे। इस मौके पर एसडीएम धर्मशाला धर्मेश कुमार ने बताया कि सभी युवाओं के अवशेषों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है जिसमें से अमन का अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्होंने कहा कि सभी परिवारों को 4-4 लाख रुपए की राहत राशि प्रदान की जा चुकी है। धर्मेश कुमार ने कहा कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने आश्वासन दिया है कि जो 39 भारतीय मारे गए हैं सभी के परिवार से एक एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन और सरकार इन पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इराक के मशहूर में आईएसआईएस आतंकियों के हाथों मारे गए चार हिमाचलियों के अवशेषों को लेने के लिए खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर और डीसी कांगड़ा संदीप कुमार अमृतसर गए थे और अवशेष लेकर देर रात कांगड़ा पहुंचे हैं। सबसे पहले एक अवशेष को नूरपुर में उतारा गया और उसे शवगृह में रखा गया था। उसके बाद टांडा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 3 अवशेष शवगृह में रखे गए थे और उनके अवशेषों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया था। कल वहां पे अमृतसर में हमारे यहां माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री किशन कपूर जी और साथ में उपायुक्त कांगड़ा श्री संदीप कुमार जी ने अमृतसर में ये मॉर्टल रिमेन्स रिसीव किए थे और उसके बाद शाम को तकरीबन 8:30 बजे ये टांडा में आ गए थे। तो टांडा में फिर मेरे हैंडओवर कर दिए गए थे तो वहाँ हमने मोर्चरी हाउस में ये मोर्चरी में ये रख दिए थे जिसमें से कि एक मंडी का और 2 जो थे वो कांगड़ा के और जो फतेहपुर का था वो फतेहपुर में ही कल दे दिया गया था। आज मॉर्निंग में मंडी का जो था वो 5 बजे वहाँ से सेक्रेटरी रेड क्रॉस ने रिसीव करके ले गए हैं और जो अमन और दूसरा था यहाँ का लंच है वो हमने आज मॉर्निंग में 8:30 बजे के करीब वहाँ से निकाल के यहाँ गए। क्या प्रशासन ने इनको कुछ मदद की? हाँ जी, इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब
अनाउंस किया था कि ग्रीव्ड फैमिली को 4-4 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो उपायुक्त महोदय और साथ में मैं एसडी धर्मशाला यहाँ आए थे इनके घर, और हमने 4 लाख रुपए का चेक इनके परिवार को दिया था। क्या लोकल प्रशासन ने भी कुछ मदद की? ये जो 4 लाख रुपए की राशि है ये प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से।